कि यार कोई ऐसा कलिमा, कोई ऐसी दुआ है कि जो इंसान पढ़ ले तो उसको पता चल जाए कि उसने शुक्र अदा कर दिया। यानी शुक्र हाँ। अदा करना एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, यानी अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी नुसरत उनके साथ है, सब्र और शुक्र और हाँ। जिसमें आप यूर इन, 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 इन दोनों स्टेट में ही आप, यानी अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा साहब देखा कि तुम शुक्र वाले होते हो। माँ ये फलोल्लाह भी अदाब है, तुम्हें शक्कर तुम आमन दो, मगर तुम ईमान शुक्र वाले हो तुम्हें अदाब ही नहीं दूंगा, बिल्कुल शुक्र वाले बनो। तो वल्लाह आई वाज थिंकिंग एंड क्रेविंग फॉर दिस यू नो सॉल्यूशन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम जो हम लोग सुबह शाम के अज़कार पढ़ते हैं, लेकिन एक जिक्र का मुझे फजीलत ना जहन में नहीं थी, मैंने उसको दोबारा जब पढ़ा ना रिसेंटली, अभी कल परसों की बात, कल की बात है, तो वो जो हदीस में आते ना, सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा मा असबहा بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. یا اللہ جس نے بھی صبح کی بی من نعمت او بی احد من خلقك آپ کی مخلوق میں سے اس پہ کوئی بھی نعمت ہے نا وہ آپ کی طرف سے آ رہا ہے فلک الحمد ولك الشكر. حدیث میں آتا ہے جس بندے نے دن میں صبح یہ دعا پڑھ لی نا اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے رات کو دعا پڑھ لی اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. سو یہ جو ہے نا ہم یعنی یا تو اکثر لوگ پڑھتے نہیں ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ.